सभी विश्वासियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के पवित्र आराधना के लिए उपस्थित प्रिय विश्वासियों का हम स्वागत करते हैं। आइए आज के आराधना को प्रभु परमेश्वर के इस आह्वान के साथ आरंभ करेंगे, जो भजन संहिता 119 उसके 41 और 42 पद में हमें मिलता है। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। यहाँ तक आमीन। आइए आज के आराधना को आरंभ करते हुए प्रथम गीत हम गाएंगे।
मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। शांति का वचन हम सुने यशया 53:4-5। निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया और हमने उसे प्रहरित ईश्वर का मारा कूटा और दुखाया हुआ समझा। वह हमारे अपराधों के कारण छेदा गया, हमारे बुराइयों के कारण कुचला गया, हमारे कुशल के लिए उस पर ताड़ना हुई और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों का भार हम पर से उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनता के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरोध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ्य पाएं, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करे तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के निमित्त जो पवित्र वचन हम सबों के लिए ठहराया गया है
वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय पद संख्या 21 से आगे 26 पदों, मत्ती 16 पद संख्या 21 से आगे 26 पद, परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ ऐसा मिलता है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यहाँ तक, आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु, ईश्वर के मेमना, तू जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों के विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा देखी जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। मंडली बैठ जाए। हम आराधना का
दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 108। गीत नंबर 108, हे ईश्वर निर्मल मन जन्मा, मन बिगड़ा हुआ मेरा, क्लेश दुख से भरा सर्वदा, अपराध चूक बहु तेरा, पाप मैंने नित नित किया है, हे ईश्वर अति दयामय, कर मुझे शुद्ध और उजला। सबों को परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि प्रभु हम लोग तेरे अनुग्रह में दिन प्रतिदिन संभाले जाते हैं। पिता, इस समय तेरे वचन सीखना चाह रहे हैं, तू आओ हम सबों को अपने वचन से बातें कर। ख्रिस्ट यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के वचन में से हम सुने, उपदेश के निमित्त जो परमेश्वर का वचन ठहराया गया उसे हम सुने। दूसरा कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय पहले पद से 10वें पद तक।
दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय पहला से 10वां पद, परमेश्वर का वचन इसमें यूं लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन। मंडली बैठ जाए। क्रिस्ट में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, हम महाउपवास काल में हैं और हमारे मनन का जो विषय होता है या कहा जाए मुख्य विषय होता है वह है कि प्रभु यीशु मसीह के दुख मृत्यु के विषय में, परमेश्वर उस बड़े कार्य के विषय में जो यीशु के जीवन के द्वारा प्रकट हुआ, यीशु की क्रूस मृत्यु के विषय चर्चा करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। हम जो पहले परमेश्वर के वचन सीखे हैं और सीखना चाहते हैं, क्योंकि उद्धार का जो रहस्य हम पर प्रकट किया गया है, हम दिन प्रतिदिन जितना प्रभु के निकट बढ़ेंगे और गहराई से समझने लगेंगे, और इसी क्रम में हम लोग महाउपवास काल में आए हैं। यह काल है हमारी सहायता के लिए ताकि हमारे विश्वास का जो मूल विषय है उसको हम लोग समझ पाए कि हमारे मसीह विश्वास के लिए क्रूस की मृत्यु जो यीशु ने स्वीकार किया था एक हार के रूप में नहीं है परंतु एक जीत के रूप में है। आज के जो हम लोग वचन सुने मत्ती उसके 16वें अध्याय पद 21 से आगे जो सुने उसमें जो वचन लिखा हुआ है उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों अर्थात महायाजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु ने अपने विषय में बातें कहा और हम लोग आगे और पाएंगे तो यीशु ने कहा था, आओ हम यरूशलेम को चलें। प्रभु यीशु मसीह
जो स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है और सच्चा मनुष्य है। उसे मालूम था उसके जीवन पर क्या ठहराया गया है। उसके लिए निर्णय का समय था कि वह किस चीज को चुने। परमेश्वर होने के नाते तो निश्चय उसे करना था, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को देहधारी किया, यीशु नाम रखा गया अपने पुत्र का, परमेश्वर ने सच्चा जब मनुष्य बना, तो एक मनुष्य के नाते उसके पास स्वतंत्र अधिकार था कि वह क्या करे और क्या ना करे। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने विषय में कि मैं अवश्य कि यरूशलेम जाऊं और वहां के जो धार्मिक अगुए थे, शास्त्री, महायाजक, पूर्णिय, इनके हाथ दुख उठाऊं और मार भी डाला जाऊं और कहा जी उठने का विचार जगाता है और कहता है आओ हम यरूशलेम को चले। पतरस इन बातों को सुनकर यीशु से कहते हैं कि ये बातें आपसे दूर हो बोलकर। तब यीशु ने कहा तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। और आगे कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाता है वह अपना उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह पाएगा। और आगे भी लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जो लक्ष्य था वह था कि हमारे उद्धार का काम पूरा करें, और उसके लिए उसे शारीरिक रूप में दुख उठाना था। प्रभु यीशु मसीह का जो दुख था वह उसके क्रूसीकरण के समय जो घटना घटी उस समय से नहीं परंतु उसके देहधारी होने के समय से हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार उसे हमारे कारण दुख उठाना पड़ा। सबसे शुरू की घटना में हम लोग पाते हैं कि जब यीशु का जन्म हुआ उस समय के जो राजा थे हेरोद, उसकी ओर से आदेश निकले कि जितने भी बच्चे हैं 2 साल के या उससे छोटे बालकों को मार डाला जाए। परमेश्वर ने प्रबंध किया उसके इस पृथ्वी के पिता और माँ उसे लेकर मिस्र चले गए। और हम लोग पाते हैं कि बैतुल्हम में बहुत सारे बच्चों को मार डाला गया। हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को स्मरण करते हैं और उसमें से सामान्यता हम लोग सभी कोई अपने बचपन की घटनाओं को जानते हैं, स्मरण करते हैं, कुछ ना कुछ किसी का दुखद भी अनुभव होता है, बहुतों का सुखद होता है अनुभव। और बढ़िया घटनाओं को याद करते हमारा बचपन ऐसा था वैसा था, लेकिन यदि किसी के जीवन पर कोई दुखद घटना हो उसको भी स्मरण करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ या हमारे प्रियों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के लिए बैतुलम का याद कैसा हुआ होगा कि वहां पर बहुत सारे बच्चों को मार डाला गया, निर्दोष बच्चों को। किसके कारण? ईशु कारण, उसके स्वयं के कारण। उसे लोग मारने के लिए पहुंचे थे लेकिन बच्चों को मार डाला गया। यह भी दुख यीशु को अनुभव हुआ। बाइबल में तो उतनी चर्चा नहीं की गई है कि यीशु मसीह बैतुल्हम में और गया था उनके, हो सकता है गया भी होगा। लेकिन यदि हम लोग अपने जीवन में कुछ घटनाओं को देखें किसी स्थान पर जहां हमारे या हमारे किसी प्यारे के जीवन बहुत बुरा हुआ तो हम लोग बहुत बार उस स्थान में जाना भी नहीं चाहते हैं, उसको स्मरण करके हमें दुख पहुंचता है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो दुख हुआ वह उसके देह धारण करने से ही आरंभ हो गया था। बहुत सारी घटनाओं को हम पाते हैं, लोग प्रभु को ठट्ठों में उड़ाते थे,
अनेक प्रकार की बातों के डाल डालकर। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख यीशु को उठाना था शारीरिक रूप से, वह था कि क्रूस मृत्यु को सहले बोकर प्रभु यीशु मसीह के रूपांतर की जो घटनाएं घटी उसमें, उसके बाद यीशु आकर कहता है हम यरूशलेम को चलें, और उसके बाद वह चेलों के साथ यरूशलेम यात्रा में चला जाता है। वह जानता था क्या उसका यरूशलेम में जाना का अंतिम यात्रा है। जब यीशु ने कहा अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र से वह स्वयं ऐसे दुख उठाए, और आगे भी कहता है वचन में पढ़ेंगे कि अवश्य कि मैं ऐसा कार्य करूं, बोलकर यीशु ने उस निर्णय को लिया कि मैं इसे स्वीकार करता हूं। हम लोग महोपवास काल में गीत गाते हैं साक्षीवाणी से गीत संख्या 40, एक मेमना बिना दोष अपराध संसार का बोझ उठा ले जाता है। उसके अगले पद में हम लोग पाएंगे कि एक सवाल पूछा जाता है, कहा जाता है कि कौन उद्धार करेगा, इस विषय बात होती है। तो पुत्र अर्थात यीशु का के जो विचारों को रखा गया गीतों में लेखक ने लिखा है कि रख मुझ पर बोझा सारे होकर, कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया, इसी को अनुग्रह कहते हैं, कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया हमारे मांगने से पहले ही। हमारी दशा ऐसी नहीं है कि हम अपने पाप की गहराई को या पाप को ठीक ठीक समझ पाए। वर्षों पहले, सैकड़ों वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा प्रबंध किया था। परमेश्वर का पुत्र जो देहधारी हुआ उसने दुख अपने ऊपर ले लिया। वो अपने जीवन में तो दुख उठा रहा था, लेकिन बड़ा दुख आने वाला था क्रूस मृत्यु की, सबसे बड़ी दुख इसे कहते हैं। शारीरिक रूप से तड़पाए कि उसे मारा जाता था, ऐसा उसके लिए प्रबंध किया गया था। यीशु ने उसको स्वीकार किया, यीशु को ठट्ठो मुड़ाया जाने वाला था, यीशु ने उसे स्वीकार किया और कहता है कि हम यरूशलेम को चले। और इस प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का प्रबंध कर दिया। अनुग्रह जो होता है उसका अर्थ है कि जिसे वह दिया गया वह उसके हकदार नहीं था, या उसने नहीं मांगा, ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जिसके बदले उसे मिले, परंतु देने वाला जो उसे दिया है वह सेंटमेंट दे दिया है। ऐसा कोई विचार नहीं कि अगर मैं दूं तो उसके बदले कुछ मुझे मिलेगा बोलकर, उसी को अनुग्रह कहते हैं, दया कहते हैं। तो आज के उपदेश वचन में जो लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की मंडली से कहता है, अनुग्रह के विषय से शुरू करता है और कहता है हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो, कहता है कुरिन्थ की मंडली से। और कुरिन्थ की मंडली को जो पौलुस लिखता है चिट्ठी के रूप में, जो पहला कुरिन्थ और दूसरा कुरिन्थ में इन बातों को पाते हैं, तो पूरे पत्री को हम लोग धीरे से पढ़े एक किनार से तो पाएं किस उद्देश्य से उसने लिखा है। आज की उद्देश्य वचन जो हम लोग सुने उससे थोड़ा सा पहले जो कुछ वचन लिखा हुआ है उसमें नई सृष्टि की विषय चर्चा की गई है। दूसरा कुरिन्थ 5:17 में लिखता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। और आगे कहता है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष ऊपर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर ने जो उद्धार का कार्य पूरा किया उसको उसने कलीसिया को सौंप दिया है, और जो अगुवे होते हैं उसकी जिम्मेदारी होते हैं कि जिनको सिखाना है उसे बढ़िया सिखाए और वे
दूसरों को और सिखाए और बढ़ते चले जाए। और हमारा जो बढ़ने का जो लक्ष्य है और उद्देश्य है, वह कि हम लोग ख्रिस्ट के डील डोल में होकर आगे बढ़ते चले जाए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए ठहराया था कि वह हमारे पापों को उठा ले। उसने यह उद्धार का काम पूरा कर लिया है और जो मसीह में वह एक नई सृष्टि है। और परमेश्वर हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव को डालना चाहता है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, अर्थात उस पवित्रता को। तो मसीही जीवन में हम जब प्रतिदिन बढ़ रहे हैं तो हम सबों के जीवन पर हर एक प्रकार का अनुभव होता है, सुखद भी अनुभव होता है, दुखद भी अनुभव होता है। और इस समय होते हुए हम सबों को प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाना है। बाइबल की घटनाओं में हम ध्यान करें, उसमें जब किसी के जीवन की चर्चा की गई है, अगर पुराण नियम में लोग देखा जाए, बाइबल के पुराण नियम में से अब्राहम के जीवन में, इसहाक, याकूब और बहुतों के जीवन में, उनके जीवन में लोग पाते हैं कैसा सुखद अनुभव वे पाए, दुखद अनुभव भी उनके चर्चा की गई है। अब्राहम के जीवन में, इसहाक के जीवन, याकूब के जीवन में पारिवारिक समस्याओं के विषय में दी गई है कि परिवार में किस प्रकार समस्याएं होती, आसपास के लोगों के साथ इस सब भी चर्चा की गई है। इन सब में होते हुए भी वे परमेश्वर में अटल बने रहे। आज के इन वचनों में जो लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित अपने आप को परमेश्वर का सेवक और सहकर्मी कहकर मंडली के लोगों को कहता बताता है, हम अपने कार्यों के द्वारा प्रभु के सद्गुणों को प्रकट करें। और इसमें दुख, क्लेश इत्यादि, घटी इत्यादि बहुत बातों की चर्चा की गई है। और इन सब घटनाओं के पढ़ने के बाद पता चलता है कि परमेश्वर का सेवक के जीवन पर भी दुख आते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सीख की बात है। कोई व्यक्ति ऐसा ना समझे कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह में हूं, इसलिए मेरे जीवन में केवल आनंद आएगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या काम किया है? उसने हमारे पापों का बोझ उठा लिया है, अर्थात हमारे उद्धार का काम पूरा कर लिया है। लेकिन जो संघर्ष की बातें उसको नहीं हटाया था, ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस को नहीं हटाया है, अर्थात जब हम इस देह में रहते हैं हमारे जीवन पर संघर्ष आएगी, हर एक मसीह के जीवन पर, कि जो हमारे शरीर की जो पुरानी विलासाएं हैं वे हमें ऐसा प्रेरित करेगी, इस दिशा में ले जाएगी कि हम परमेश्वर के पवित्रता से दूर हटें। दूसरी ओर संसार का जो विपरीत बातें हैं, जो परमेश्वर के विरोध वाली बातें हैं, वो हमें दूसरी ओर ले जाना चाहिए, उससे हमें संघर्ष करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है, उसके जीवन में हर एक दुख दूर हो जाएगी। निश्चय परमेश्वर हमें बलवंत करता है और बहुत सारे संकटों से हमें उभारता है, परंतु कभी कभी हमारे जीवन पर परमेश्वर के सेवक होकर या फिर एक मसीह होकर भी, हम हर कोई सेवक है, हम सबके जीवन पर दुख आता है। और इन दुखों में जब हम रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे जीवन पर ऐसा दुख क्यों हो रहा है, जब ऐसे अनुभव हम लोग प्राप्त करें या कर रहे हैं, तो यह जानना है कि यह हमारे लिए नई बात नहीं है। और जैसे भी परिस्थिति में हम लोग हैं, परमेश्वर के मार्ग पर हम लोग बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, उत्पत्ति 12:1-3 में लिखा हुआ है कि तेरे कुल के द्वारा जगत के लोग आशीष पाएंगे। हम मसीहियों ने, ख्रिस्ट विश्वासियों ने अब्राहम की उस आशीष को, परमेश्वर की आशीष जो अब्राहम के लिए ठहराई गई थी, यीशु होकर हम लोगों ने उसे पाया है। और परमेश्वर हमें इस योग करता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरें। इसलिए पौलुस ने इसे सद्गुण के विषय में कहा गया है कि परमेश्वर के सेवक अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं।
बहुत बार हमारे जीवन पर घटी होगी और परमेश्वर हमारे लिए परिस्थितियों खोलेगा कि हम क्या करें। हमें भले कार्य से बढ़ने में रुकना नहीं है। बाइबल की एक घटना को हम लोग ध्यान करें। अब्राहम के जीवन में हम लोग पाते हैं कि उसकी पत्नी सारा से उसे संतान उत्पन्न नहीं हो रहा था। वर्षों बीत गए थे। एक घटना में हम लोग पाते हैं उसमें कि एक प्रभावशाली व्यक्ति जो वहां था, उसमें अगर जो राजा या सरदार या जो भी बोला हुआ, उसकी पत्नी को ले जाता है पत्नी बनाने के। लेकिन जब चेतावनी पाता है परमेश्वर की ओर से कि यह तो दूसरे से वापस कर देता है, उसके बाद हम लोग यह पाते हैं कि जो ले गया था उसके घरानों में बच्चों का जन्म बंद हो जाता है। अब्राहम क्या करता है? प्रार्थना करता है उनके लिए और वे लोग सब चंगे होते हैं। अब्राहम कह सकता था सांसारिक विचारों के अनुसार कि तुम तो मेरी पत्नी को ले गए थे, इसीलिए देखो दंड मिला है, भुगतो बोलकर। लेकिन वह अपने आप में क्या रखा? परमेश्वर के सद्गुणों को रखा, हृदय से क्षमा किया, उनके लिए प्रार्थना किया। किस समय किया प्रार्थना? जब उसके स्वयं के घर में इस बात की कमी थी, बच्चों के जन्म की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जगत के लोग तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। उसी प्रकार बाइबल के बहुत सारे घटनाओं में हम लोग पाते हैं कि लोग विपरीत परिस्थिति में होकर दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। हम ख्रिस्त विश्वासी भी ऐसे ही बुलाए गए हैं। हमारे जीवन पर भी दुखद परिस्थिति आती है, संघर्षपूर्ण परिस्थिति आती है, और ऐसे समय में यदि संसार के लोगों के विचार के अनुसार रहे, दुनियादारी के अनुसार सोचे कि पहले मुझे आशीष मिलना चाहिए तब मैं दूसरों को आशीष दूंगा। आशीष तो मिल गई प्रभु में होकर, लेकिन यदि लौकिक रूप से कुछ घटी हो हमारे जीवन पर और हमारे लिए अवसर खुले कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें, उससे पीछे नहीं हटना है। एक व्यक्ति की मैं गवाही बताना चाहूंगा। एक जवान है, अब तो उसका विवाह भी हो गया, बाल बच्चे भी हो गए हैं। वह बैंक की नौकरी की तलाश कर रहा था, एग्जाम लिखता था और उनसे मैं मिला, वर्षों पहले की बात है। और उसने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं, नौकरी मिल नहीं रहा है, क्या करें? तो उसे पूछे कि आप क्या विनती करते हैं? तो उनके जो शब्द मुझे अभी याद है, उसने कहा मैं यीशु बाबा से विनती करता हूं कि प्रभु मुझे आशीष से नौकरी दिला दें। तो उसको जो परमेश्वर जो प्रकट किया वचन, उसके आधार पर बात किए और बोले कि आप तो सही विनती कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जैसे नहीं परंतु बड़ा होकर विनती करिए। आप सच बोल रहे हैं, आपको चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या कहा? दूसरों को आशीष से बोल करना। आप जब एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो सबके लिए प्रार्थना करिए, हो सकता है किसी का आखिरी अवसर हो सकता है कोई बहुत ही योग्य व्यक्ति है जो हमारे समाज में देश के लिए उसकी आवश्यकता है, हो सकता है कि कोई ऐसी आर्थिक चुनौती का सामना करना है, यदि उसे नौकरी मिल जाए तो उसका या उसके परिवार या उसे आश्रित के लोगों को बहुत मदद मिल जाएगी। तो बोले आप उनके लिए प्रार्थना करिए, उसके तो अपना भी विचार डाल दिए प्रभु मुझे भी चाहिए बोलकर। परमेश्वर का धन्यवाद, उसको नौकरी मिल गया। एक हुआ फिर दूसरा एग्जाम पास करते चला गया। तो परमेश्वर हमें ऐसे बुलाया है, यदि हम अपने किसी प्रियों के लिए, अपने बेटा बेटी भाई बहन किसी के शादी विवाह के लिए प्रार्थना करें, सोचते हैं कि प्रभु इसे कब हो, लेकिन किसी के जीवन पर आवश्यकता महसूस हो कि उसके लिए भी आवश्यकता है ऐसी बातें का, तो प्रार्थना करना है। ये सद्गुण है और यह आशीष पाने के आशय से नहीं कि मैं करूंगा तब मुझे मिलेगा, परंतु एक मसीही का, एक क्रिश्चियन का आंतरिक स्वभाव होना है। परमेश्वर यही कह रहा है कि हम लोग दूसरों के प्रति निष्कपट प्रेम रखें।
प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जैसा प्रेम रखा वही प्रेम को हमारे हृदय में डाल रहा है और हमको इसी में बढ़ते जाना है, उसी को सद्गुण कहते हैं। यहां पर वचन पौलुस एक दो बातें कहता है, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ये नहीं कहता कंगाल है, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। अनजानों के सदृश तो अभी प्रसिद्ध है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, वह संभाल कर रखा है। हमारे जीवन पर जो दुखद ये सुखद अनुभव होते हैं, जो है सो है, हमें उससे आगे बढ़ना है। परंतु इन परिस्थितियों में जब होकर रहते हैं और हमें दुख होता है, तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के सद्गुणों को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना है। और इन दुखद अनुभव को जब हम लोग पाते हैं या संघर्षपूर्ण अनुभव को, तो ऐसे में हमें बिखर नहीं जाना है कि हाँ मेरे जीवन पर तो बहुत दुख तकलीफ आ रहे हैं। परंतु जैसे पौलुस कहता है, जो अनुग्रह तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ जाने मत दो। परमेश्वर की पवित्रता में हम सभी को बुलाए गए हैं और यह जो महोपवास काल का समय है, यह मनन का समय है कि हम लोग अपने उस बुलाहट को स्मरण करें, देखें कि हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि संसारिकता में रहते हुए बहुत बार हम लोग इतना खो जाते हैं कि अपने उस बुलाहट के प्रति गंभीर नहीं हो पाते हैं। यह महोपवास काल का जो समय है हमारे लिए प्रबंध किया गया है कि बहुत सारे बातों को हमारे पक्ष बना दिया जाए, अर्थात बहुत सारे जो उत्साह के कार्य होते हैं इसको सभी को रोक दिया जाता है, शादी विवाह या अन्य उत्साह की बातों को, ताकि हमारा ध्यान सही दिशा में आ पाए। परमेश्वर के प्रति जो प्रतिदिन रहना चाहिए उसी में आए, प्रभु यीशु मसीह के दुख मृत्यु उद्धार के कार्य को स्मरण करें और अपने आप को देखें कि हम जो परमेश्वर में हैं क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं कि दूसरे दिशा में बढ़ रहे हैं, और अपने जीवन के मार्ग को समझने के लिए हम सही दिशा में जा रहे हैं। अपने गुणों को देखें कि पौलुस कहता है सद्गुणों के द्वारा, क्या हमारे अंदर में स्वाभाविक रीति से यह सद्गुण आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग किसी का भलाई करते हैं या कुछ लोग करते हैं, जो भी मात्रा लोग करते हैं, इस आशय से करते हैं कि यदि मैं करूं तो वह मुझे आने वाले दिनों में इसका भला करेगा, या फिर लोगों के सामने मेरी बड़ाई हो जाएगी, या परमेश्वर मुझे बहुत आशीष देगा। यह निष्कपट प्रेम नहीं है, परंतु निष्कपट प्रेम का अर्थ है कि हम ये कार्य करें किसी चीज को पाने के लिए नहीं, परंतु स्वाभाविक रीति से करते जाएं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और वो हमारे अंदर से यह गुण को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि तूने प्रभु हमें सद्गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम अपनी दशाओं को ठीक रीति से समझ पाए कि हमारे जीवन पर सद्गुण प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हे पिता, हमें आशीष से परिपूर्ण कर कि हमारे अंदर से ख्रिस्ट का स्वभाव और प्रकट होता चला जाए और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग तेरी आशीषों को पा सकें। हे पिता, इसमें तू हम सबों की सहायता कर, ख्रिस्ट यीशु के नाम में, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के मन और अंतकरण की रक्षा करे, आपसे सदा लो, आमीन। आई हम तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 50, यीशु के घाव से रक्तपूर्ण एक सोता भाती है, जो पापी उसमें लेवे स्नान निर्दोष हो जाता है।
मंडली उठे प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस झारखंड प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेसन काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तिया प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे प्रभु, इस पूरे महोपवास काल में हम सबों की हिफाजत सुरक्षा कर और तेरे उस प्रेम को अनुभव करने पाए, जिस प्रेम के तहत हम पापियों के लिए तू अपने शरीर को क्रूस पर बलिदान किया और अपना लहू बहा करके हम सबों को उससे शुद्ध किया है और बचाया है, जिससे प्रभु धार्मिकता का राह पर चल करके तेरे बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें, परंतु परमेश्वर की दया प्रेम में हम बने रहें। हे प्रभु, यह भी प्रार्थना करते हैं आज के गिरजा सिरनी दान, मुट्ठी दान, घड़ा दान, विशेष दान, डेवलपमेंट फंड के दान, हर एक दानों के देने हारों के जीवन को आशीष से भर दे, ताकि तेरे आशीष की भरपूरी पा करके इसी रीति से कलीसिया सेवा में और तेरे सेवा में आगे बढ़ते रहें। पिता ईश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियार में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन।
सात्विक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है।
सच्चाई का रसता है, सच्चाई का रसता है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर वो मेरे